अरे छोड़ दी, इधर तो किनारे तो लग गए हैं, इधर खाया किन है इधर कौन तो उधर हिस्सा सही है है। कौन। अम्मा जी कह रहे मैं मलंग बंदा जिदा दी हो गए कपड़े सिलाई उदा दे कपा खोलने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती मेरे फ्रेंड तेरा ठीक हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह से भी ठीक। अल्लाह पाक तन खुश रखे, आबाद रखे। ते आज दो लोग आते शुरू अलहमदुल्ला जी। दोपहर का टाइम, खाने का टाइम हो गया, तो हर जन असं तंदूर तो रोटी लगावे। जल्दी ना तंदूर जरा पा लेंगे। माशाल्लाह जी, अम्मा जी ने रोटियां देखो कि सोहनिया शाइनिंग वाली बनाई वा। तो एक रोटी रह गई है तो धुप्प भी बड़ी तेज है। तो अम्मा जी ने कैसे कहना अज आप तंदूर की रोटी खानी है दोपहरे, तो हमें दोपहर के खाने के ना माशाल्लाह जी अम्मा जी ने गर्मा गर्म तंदूर दी रोटियां ला दी। अम्मा जी कह रहे थे ना तंदूर की रोटी खानी, मैं अम्मा जी गर्मी बड़ी है। अम्मा जी कहते नहीं पकानी है, फिर मैंने आटा गुन दिता रोटी अम्मा जी बनाई, तो कहते पसीना बड़ा आया वा। मैं और आना ही सके, मैं मैनू भी नहीं आया पसीना। नहीं माँ जी मैं थोड़ा कहता ना। अलहमदुल्ला जी, खाना खाना अभी दोपहर तो खा लिया से, उस तो बाद आराम किया झट, क्योंकि दोपहर तो गर्मी बड़ी होंगी है, बाहर काम घर हों। तो हूँ अम्मा जी ने मशीन कड़ लिया, अम्मा जी इतने बैठ के, तो हम कमरे से जरा परछावे से बैठ के कपड़े सिलाई करेंगे। इतने मेरा शीशा भी टुटा हुआ है, इधर ले जी जी चप्पल जी है ना मैं पाई हुई, ये चप्पल जो गिली होंगी ना बड़ी स्लिप करती है, तो डर रहा वो कि किसी के होर ही ना कोई मसला जाना बन जाए। तुम्हें पता भी है कि मैं साल के इसलिए हूँ मैं जल्दी त्याशर हो बैठी हाँ, तो इमरान आन गए ना तो फिर ना बाजार जाके तो मैं चप्पल कोई इदा दे लूँगी जी पानी से अगर गिली भी होंगी ना स्लिप ना हो। अलहमदुल्ला जी इमरान भी आ गया, तो अम्मा जी ने दरवाज़ा खोल दिता वा। माशाल्लाह जी इमरान साहब भी आ गए। हाँ जी नहीं मैनू ना लै जो क्यों, असल च ना मैं चप्पल जी मेरी पाई ही ना वाशरूम एक गिली हो गए तो स्लिप होंगी है, तो इसलिए अम्मा जी ने कहा कि ना फिर एवं कोई मसला ना बन जाए तो जाके ना नवी चप्पल ले आ देख ला जी सही है। ए भी पानी पै जानी जी आ पाई तो पानी पै जाएगी ना पिंक हाँ जी ठीक है हैं ओके चलो अली भैया ही दे दे। ओके माँ जी आज साल जड़ी ना बड़ी हुई है, झाड़ू अपना है छोटा से आप होर वाड़ के सका के पूरा झाड़ू बना।
अम्मा जी मैं थानू ही क्या मेरे नाल चलो तो आप कट्ठे चल के जा कवाड़े के लिया नहीं बेटा मैं बैठी हूँ तुम लोग यार मेरा प्यो लग गया ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦ ਆ ਨਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਛੀਲਣ ਲੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਆਊਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਝਾੜ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਂਗੇ بسم الله الرحمن الرحيم ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਥੜੀ ਨਾ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਪੋਚਾ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪੋਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਬੁਰਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਹ ਛੋਟਾ ਬੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਰੀਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੜੇ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪੋਚਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਉੱਧਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਰਮੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਨਾ ਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਦੇ ਚਾਹ ਚਮਕ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੜੀ ਕਰਮੰਜੀ ਵੀ ਤੇ ਕੜੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਵਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੇੜ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ
अम्मा जी कह रहे कि ना दर्द ने ना जो सूट मेरा सी के दिता तो कुड़िया छिड़ियां का सी के दिता तो मैं तो हैगी बुढ़ी तो मेरे नहीं ना सही लग रहे सूट त करके मैं देख के दोबारा सिलाई कर दी। माँ जी कमाल दी सिलाई लाने लगी कि देख सीधी से गजटेंगी अरे माँ जी इधर तुम किनारे तो ला गए चाबिया गल अम्मा जी चाबी कदे भी नहीं लाते है सुनते पा के सोनी है जिम्मे पता नहीं है चाबी अम्मा जी चाबी चुप दी झाड़ू जरा मेरे को सीधा होया नहीं तो मैं इसलिए अम्मा जी ने खड़ा अम्मा जी ने पता नहीं की है अज अम्मा जी ने मिनट बाद झाड़ू सीधा करते करते मेरे मुँह के उत्ते डेग देंगे मेरे वास्ते ना ये बड़ा मुश्किल काम से जो सर जिन्ना कि मेरे को कट्टे गए तो मैं उन्हें कट लिया बाकी ना इमरान कट्टे जिस काम तो आएंगे तो फिर बहुत सारे कट के देने ताकि झाड़ू पूरा पा जाए क्योंकि पहले थोड़ा जहा कटे या फिर थोड़े जो हूँ फिर बनाए हैं कम से कम अद्धी भी झाड़ू ये नहीं हुए ऊपर देखो कितनी मिट्टी चंगी है अगे असं शीशा लैके आए थे ना लालटेन का तो 50 रुपये का लैके दसी जरा ना जन्म कहता कि ना ये टुटेगा नहीं 200 का लिया फिर ये कि मजबूती का ना मोटा शीशा वा हमने देखो कड़े भी भोरा नहीं चिड़ गया और देखो माशाल्लाह अगले शीशे ना पहले शीशे ना ना इस शीशे की रोशनी भी बहुत तो देखो कि साफ सुथरा हो गया हूँ चमक गया तो पहले देखो कि ना मिट्टी लगी हुई जीवे के बच्चे भी ना मिट्टी का तेल खत्म होया वा तो इन्होंने गंदी बहुत ज्यादा हुई धो लें तो फिर उस तो बाद खुश्क हो जाएगी ना तो फिर मिट्टी का तेल लिया के तो पावे फिर लाइट भी रात में बहुत जान लगे
मिट्टी सारी ना जमी पई है तो उधर निकलनी है, उंगली तो लगी है। माशाल्लाह जी हुण सर्दी बाद देखो कितना साफ सुथरा हो गया, हुण भोरां नहीं मिट्टी उतरदी हैगी। नीचला हिस्सा भी देखेदा चमक गया, तो हुण जिहड़ा सिर्फ इहनूं सुकण दी देर आ, फिर इहदे च मिट्टी दा तेल पाउंदे। अलहमदुल्ला जी घर के काम शाम तो ना वेले हो गए हैं, तो हूँ जो मैं आपका शौक पूरा कर लैनी हाँ। मैं है ड्रॉइंग का शौक, तो मैं हम अपनी ड्रॉइंग की कॉपी भी कर ली है, रंग शंग कर लिया, जोमैट्री बॉक्स कर ली। और मैं थोड़ा एक गल दसा, जोमैट्री बॉक्स जी है ना कम से कम मेरी शादी तो भी पहले की है, मैं स्कूल जाती थी उदों की संभाल के रखी हुई है, ये नाले मेरे पापा की निशानी है। पूरी कापी जी सिर्फ वेली पई है, पहला जो मैं लिखाया सी, दूसरा हला नवा तैयार किया वा, तो हूँ जरा इधरली साइड तो ना तीसरा स्टार्ट कर लगी हूँ। तो मैं चलो आपके भैन भरावान भी शेयर कर लगी मैं कि ड्राइंग कर ली। अज तक मैं इतने थोड़ा इन्नी की बस कोठी बनाई है, तो बाकी जी ना वीडियो पूरी पिक्चर बनाऊंगी, रंग शंग करांगी, तो थोड़े ना भी शेयर करांगी। अज के ब्लॉग का इतने एंड करांगे, उम्मीद कर दी मेरे भैन भाइयों साड़ा अज का ब्लॉग पसंद है, तो साढ़े चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपनी फैमिली जरूर शेयर करो। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, आबाद रखे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज़।